तो दोस्तों जो गाड़ी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है महिंद्रा की तरफ से EXUV300। जो हम रेगुलर XUV300 देखते हैं ये उसी का इलेक्ट्रिक वर्जन है जो कि एक कंसेप्ट व्हीकल के फॉर्म में है। अभी कंपनी ने इसे लॉन्च करने की कोई भी डेट नहीं बताई है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर के एंड तक ये आपको मार्केट में देखने को मिल जाए। तो डायमेंशन वाइज तो ये बिल्कुल आपको XUV300 जैसी लगेगी, बट इसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलेगी जो हो सकता है कि 60 किलोवाट तक की हो, और वहीं इसमें आपको 204 हॉर्स पावर तक की मोटर देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ इसमें राइडिंग रेंज की बात करें तो 400 किलोमीटर पर चार्ज की राइडिंग रेंज मिलेगी। आपको डीसी फास्ट चार्जर भी इसके साथ अवेलेबल हो सकता है। तो आप सबने पहले भी देखा होगा टाटा की नेक्सन पहले पेट्रोल और डीजल में आती थी, उसके बाद कंपनी ने इलेक्ट्रिक नेक्सन को लॉन्च किया। सेम महिंद्रा के साथ भी ऐसा ही है, यहाँ पर XUV300 आपको डीजल में देखने को मिलती थी, उसकी सक्सेस के बाद अब कंपनी हो सकता है इसमें इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी नेक्स्ट ईयर तक लॉन्च कर दे। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी ने भी 5 स्टार रेटिंग ले रखी है ग्लोबल NCAP में। देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी होती है। दोस्तों आप भी कमेंट में जरूर बताना कि अगर ये लॉन्च होती है तो आप इसे लेना पसंद करेंगे या फिर नहीं। प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 12 से 13 लाख के बीच में माना जा रहा है। हो सकता है लॉन्च के टाइम इसका प्राइस कम ज़्यादा भी हो जाए। देखते हैं इसका क्या प्राइस रहता है और इंडियन मार्केट में ये किसको कम्पीट करती है। अगर इस रेंज की बात करें तो लगभग आपको नेक्सन मिल जाती है, MG मोटर्स की ZS EV मिल जाती है। तो ये कुछ गाड़ियां हैं जिनके साथ ये गाड़ी कम्पीट करेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट लगाइए जब भी आप फोर व्हीलर चलाते हैं। तो